नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 30 अक्टूबर 2019, और यहां पर हम लोग निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे, साथ में बैंक निफ्टी इंडेक्स के भी एनालिसिस करेंगे। कल इस बात का भी ध्यान रखना है कि कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए ट्रेड करेंगे। आप देखिए, निफ्टी का ये डेली का चार्ट है और ये इंडेक्स का चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट नहीं है, ये इंडेक्स का चार्ट है। तो आप यहाँ पे कंप्लीट ये डेली का चार्ट है। सबसे पहले बता दूं कि डेली पर एक रेजिस्टेंस लेवल था जो इसके पास है 11,700 का। इसने अच्छे खासे तरीके से इसको ब्रेक किया कल, आपने जैसा कि देखा जबरदस्त तरीके से इसने इसको ब्रेक किया कल 29 तारीख को, बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद आज उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना कि आज ट्रेड उसके ऊपर ही किया। अगर उसके हाई के नीचे ट्रेड कर जाता आज ना, अगर उसके हाई के नीचे अगर ये क्लोज कर देता तो थोड़ा सा वीक होता। हालांकि अभी भी स्टॉक्स में अप ट्रेंड है। हम लोग नहीं कह रहे हैं कि निफ्टी वहां से डाउन फॉलो के नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं कि निफ्टी वापस से 11,000 आ जाएगा, ऐसा नहीं। बीच बीच में बड़ा मूव डाउन साइड के देखने को मिलेंगे, लेकिन निफ्टी का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, जो कि बेयरिश ट्रेंड पहले था, अब बुलिश ट्रेंड में वो कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब यहाँ पर से अगर कोई कैंडल बनता है या कोई रेजिस्टेंस लेता है तो वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। निफ्टी हर बार, इंडेक्स हर बार जब से इसने 11,700 को ब्रेक किया, एक अच्छे लेवल को ब्रेक करते हुए ऊपर की साइड में चला जा रहा है। आप पहले इसको ध्यान से देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर से ये एक ट्रेंड लाइन का बहुत ही अच्छे तरीके से ना, ये एक ट्रेंड लाइन का बहुत ही अच्छे जबरदस्त तरीके से ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ले रहा है। आप ध्यान से देखिए इस चीज को, अगर हम लोग इसको चेक करें तो आप देखेंगे कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। पहले इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक था निफ्टी पॉजिटिव था, इसी को नीचे और भी खींच लेंगे पीछे तो ये और पीछे चला जाएगा। आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। निफ्टी इसके ऊपर जब रह जाता है तो काफी पॉजिटिव हो जाता है, जब नीचे आता है तो निगेटिव। वापस यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो निगेटिव, फिर ऊपर गया पॉजिटिव, नीचे आया तो काफी नीचे आके निगेटिव हो गया। फिलहाल निफ्टी आज जो है क्या कर रहा है, उसी ट्रेंड लाइन को वापस से टेस्ट कर रहा है, उसी ट्रेंड लाइन को वापस से टेस्ट कर रहा है। यानी कि इसने जो टेस्ट किया, इसने जो हाई लगाया, लगभग 11,880 के आसपास का हाई है इसका, 11,880 के पास, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को इसने टेस्ट कर लिया। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ब्रेक कर देता है, यानी 11,880, हम लोग राउंड फिगर की बात कर लेते हैं, 11,900, ठीक है, ये 11,880 को छोड़ के हम लोग 11,900 को पकड़ लेते हैं सीधा, कि 11,900 निफ्टी, अगर 11,900 की बात कर लेते हैं हम लोग, तो 11,900 पे आप देखेंगे वापस से हम लोग एक 11,900 पे एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, और ये हमने ड्रॉ कर दिया 11,900 के आसपास का एक लाइन यहाँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, निफ्टी 11,900 के ऊपर भी यहाँ पे जाने में इसको बहुत कष्ट हो रहा था, आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, और वहाँ पे सस्टेन भी नहीं कर रहा था 11,900 के पास। ब्रेक करके ऊपर गया, ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया, 12,000 का लेवल लगाया, उसके बाद उसी को टेस्ट करके नीचे चला आया। यानी अब निफ्टी के लिए 11,900 इंपॉर्टेंट लेवल है। 11,900 को ये क्लेम करेगा, फिर 12,000 इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे ही 11,900 निकालेगा, 12,000 इमीडिएट आपको निफ्टी दिखा देगा। मैं यहाँ पे फिर से मार्क करना चाहूँगा ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल, इस ट्रेंड लाइन का जो इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी बार बार इसको टेस्ट करता है, और ये खास ट्रेंड लाइन है इसको निफ्टी के लिए। तो इस ट्रेंड लाइन को इसने वापस से आज रिटेस्ट किया, ये बहुत खुशी की बात है। अब 11,900 इंपॉर्टेंट लेवल खुल गया इसके सामने। अब 11,900 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी, तो 12,000 के लेवल फिर कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे 11,900 के ऊपर निकलेगा, 12,000 के लेवल आपको इमीडिएट बहुत फास्ट तरीके से निफ्टी अचीव करके दिखाएगा। तो हम लोग वेट करेंगे 11,900 के ऊपर पोजिशन बनाने का, ठीक है। 11,900 के ऊपर शॉर्ट पोजिशन नहीं बनाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर नहीं जाता है तो हम लोग शॉर्ट बना के बैठ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा, कल भी वीडियो में मैंने ये बात नहीं बोला था कि शॉर्ट पोजिशन बनाना, मैंने कहा सस्टेन नहीं करेगा। कल मैंने ये बात बोला था कि निफ्टी यहाँ पे हो सकता है सस्टेन ना करे, क्योंकि वॉल्यूम की थोड़ी उसको कमी हो रही थी, लेकिन अब उसको ब्रेक कर चुका उसके हाई के ऊपर, तो वो चीजें धारणा खत्म होगी। चार्ट बदलता है तो आपको भी बदलना पड़ेगा, मुझे भी बदलना पड़ेगा। चार्ट बदलेगा सब बदल जाएगा, सारा खेल चार्ट के हिसाब से होता है। चार्ट बदल जाएगा, मेरा व्यू बदल जाएगा, आपको भी बदलना पड़ेगा। नहीं बदलेंगे तो फिर मार्केट मार के बाहर कर देगा, फेंक उठा के फेंक देगा। तो अब यहाँ पे चार्ट बदल गया, मैं भी बदलूंगा। 11,900 के ऊपर जाएगा, 12,000 के लेवल इंपॉर्टेंट लेवल बहुत तेजी से आपको दिखाएगा। शॉर्ट पोजिशन कोई भी हाल में हम लोग क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे आपको 100 पॉइंट 50 पॉइंट नीचे डिप भी अगर दिखे, नीचे आता हुआ भी देखे, तो शॉर्ट पोजिशन बनाने का कोई कारण यहाँ पे नहीं बनता। मार्केट अभी ट्रेंड अप है तो अप ट्रेंड का मजा लेंगे हम लोग,
अब इसी चीज को फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसी ट्रेंड लाइन को, यहाँ पर हमारा एक जो ट्रेंड लाइन है, अब इस ट्रेंड लाइन को हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। जरा ध्यान से देखिए, इस ट्रेंड लाइन को हम लोगों ने यहां से ऐसे मैच कराया। अब यहाँ जो रेजिस्टेंस लेवल था ये ट्रेंड लाइन का हमारे पास, यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेवल मैच कर गया और यही रेजिस्टेंस लाइन आपको यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है, और यही रेजिस्टेंस लाइन आपको ट्रेंड लाइन का यहाँ मैच कर रहा है। इसके ऊपर निफ्टी है, यानी कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है इसके पास, इम्पोर्टेंट सपोर्ट वो है 11600 का। आप देख रहे हैं 11600 के पास दोनों तरह के ट्रेंड लाइन आके मैच कर रहा है, तो 11600 की इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्ट निफ्टी 11600 पे आके खड़ा हो जाएगा, नहीं। अगर हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 11600 होगा, ये कहने की बात बता रहा हूं मैं। तो हमारे लिए 11900 के ऊपर जब लेवल निकलेगा तो 12100 के टारगेट, 12200 के टारगेट का रास्ता ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर ये ट्रेड करता है, अगर इंट्राडे में ये ट्रेड कर जाता है, अगर ये इंट्राडे में ट्रेड करने लग जाता है 11780 के नीचे, 11770 के नीचे, तो फिर ये 11700 के लेवल पर आगे आएगा, जो कि ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट है पहले वाला, ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है ये वाला 11700, यहाँ पे एक सपोर्ट है, उसके बाद 11600 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन इस शॉर्ट पोजिशन नहीं बना, हाँ इंट्राडे में शॉर्ट पोजिशन बना के मजा ले सकते हैं मूवमेंट का, प्रॉफिट सेल साइड में बैठ करके, उसका एक अलग बात है। लेकिन फाइनली लॉन्ग समय के लिए, लंबे समय के लिए हम लोग इसमें शॉर्ट पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते। तो इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 11900 के ऊपर निकलेगा तो 12000 के लेवल, और अगर ये 11880 के नीचे, सॉरी 11780 के नीचे अगर ये निकल जाता है, 770 के नीचे निकल जाता है, तो 11700 का एक लेवल आपको सेल साइड में निफ्टी दिखा सकता है। इसी के कंडीशन में हम लोग अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपके सामने, इसकी आज क्लोजिंग हुई है 29987 के पास, मतलब लगभग 30,000 के आसपास में, राउंड फिगर की बात करें तो 30,000 के आसपास की एक क्लोजिंग है। हमें क्लोजिंग चाहिए 30,100 के ऊपर, 30,100 के ऊपर अगर ये निकलता है ना, 30,100 के ऊपर निकलेगा तो आपको 30,500 के लेवल बहुत तेजी से बैंक निफ्टी दिखाने वाला है। ये एक इंपॉर्टेंट इसका लेवल है, 30,150 के ऊपर निकलता है, आज निकला था, हाई लगाया था 30,150 के आसपास का हाई लगाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से नीचे आ गया। कैंडल जो इसने बनाया लगभग, देखिए डोजी जैसी कैंडल को इसने डेवलप किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, ये सारे लाइन अगर मैं हटा दूं पहले वाले, तो यहाँ पर अब वापस से वही इन ट्रेन लाइन का रेजिस्टेंस ले रहा है, इसी ट्रेन लाइन को ऊपर की तरफ बढ़ा देंगे तो अब देखिए इसी ट्रेन लाइन का ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, ठीक है, इसी ट्रेन लाइन का यहाँ पे ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो इस ट्रेन लाइन के ऊपर जब ये निकले तो ये पॉजिटिव टेरिटरी में चला जाएगा, पॉजिटिव जोन में चला जाएगा, और उसके लिए हमें कम से कम 30,200 अगर मैं ज्यादा बोलूं बेहतर तरीके से, तो 30,200 के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा। 30,200 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 30,500 और 30,800 के भी लेवल ये आपको अपसाइड में दिखा सकता है बैंक निफ्टी। तो ये हुआ ऊपर का एक रेजिस्टेंस जोन बैंक निफ्टी का। नीचे की तरफ एक सपोर्ट की बात कर ले तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है यहाँ पर, जो कि लगभग प्राइस आ रहा है इसके पास 29,800 का, ठीक है, 29,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट इसको क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है इस लेवल पे 29,700 के आसपास में, तो 29,800 और 29,700, ठीक है, 29,800 और 29,700 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के पास। ऊपर रेजिस्टेंस है 30,200 का, 30,200 को जैसे ब्रेक करेगा आपको ये 30,500 और उसके पास जो टारगेट आएगा वो 31,000 का लेवल बैंक निफ्टी तेजी से दिखाएगा। अब अगर ये कल मान लेते हैं ये 30,000 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है, हमें पोजिशन उस वक्त तुरंत नहीं बनाना है, पोजिशन हमें 30,100 के ऊपर बनाएंगे, ये मैं बता दूं इंडेक्स का चार्ट है, फ्यूचर का चार्ट नहीं है, 30,100 के ऊपर बनाएंगे 30,300 के टारगेट के लिए, और अगर ये 30,300 को लेवल ब्रेक करता तो फिर 30,500 का टारगेट ओपन हो जाएगा, यानी 30,100 के ऊपर निकलेगा तो 30,300 और 30,300 के ऊपर निकलेगा तो 30,500 के लेवल दिखाएगा। लेकिन अगर ये कल ट्रेड कर जाता है 29,900 के नीचे, 29,850 के नीचे अगर ट्रेड कर जाता है तो फिर ये 29,700 का लेवल भी आपको सेल साइड में दिखा सकता है, एक छोटा सा पोजीशन बनेगा। लेकिन हमेशा के इसको लॉन्ग सेल साइड में बैठना नहीं है, इसका भी ट्रेंड चेंज है, ये भी पॉजिटिव मूवमेंट में अप साइड में ऊपर की तरफ में काम कर रहा है। तो ये हुआ इसका एक इंपॉर्टेंट लेवल, और भी रेजिस्टेंस जोन है इसके पास और सपोर्ट जोन भी है। आप अगर चार्ट एनालिसिस करेंगे तो कंप्लीट आपको बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर से ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट
सपोर्ट का काम करा, वही 29,500 के आसपास, ये 29,500 का लेवल हमें दिखा रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है। आएगा नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सपोर्ट बता रहा है कि 29,500 के पास आपका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे से बैंक निफ्टी को कम से कम नीचे नहीं जाना चाहिए, ऊपर जाने के लिए 30,200 के लेवल को ब्रेक करेगा, 30,500 और 31,000 का रास्ता खुल जाएगा, फिर एक नया टारगेट के लिए ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी चला जाएगा। तो इंट्राडे का जो लेवल नीचे की साइड में आएगा, अगर इसको 29,900 को ब्रेक करता है, नीचे की साइड में 29,870 को ब्रेक करता है, तो 29,700 तक के लेवल, 750 तक के लेवल भी आपको सेल साइड में दिखा सकता है बैंक निफ्टी नीचे की साइड में। अपर के लिए 30,150, 30,100 और 30,150, फिर 30,200, ये तीन लाइन है, इसको ब्रेक करेगा 30,500 के लेवल और 31,000 का लेवल ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी में। तो ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।